मोदी इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम भारत माता की वंदे जय श्री राम हर हर महादेव। और सभी लोग आराम से अपना स्थान ग्रहण कर लें। आजादी के अमृत महोत्सव में नए भारत में नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर का आईना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसे आज राष्ट्र को समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पधारे हैं। मैं चाहती हूँ उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से जोरदार तालियों से एक बार अपने प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाएं। निवेश, रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे, विकास को नया आयाम और गति मिलेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से एक जनपद एक उत्पाद का मूज क्राफ्ट का एक प्रतिमा, भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर की प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले शॉल के द्वारा उनका अभिनंदन करेंगे, अंगवस्त्र के माध्यम से जोरदार तालियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाएं। एक जनपद एक उत्पाद मूज क्राफ्ट द्वारा निर्मित भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, उसकी प्रतिमा, जय श्री राम। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बेहतर कनेक्टिविटी के साथ विकास के पथ पर नई गति के साथ, तीव्र गति के साथ दौड़ रहा है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश को अब एक्सप्रेस प्रदेश भी कहा जाता है। इस नई पहचान और इस नई उड़ान के शिल्पकार हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करूंगी कि सभी का स्वागत करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की वंदे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्याज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति प्रदान करने के लिए जनपद सुल्तानपुर में उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष
माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय विधायक श्री सीताराम वर्मा जी, देवमणि द्विवेदी जी, सूर्यभान सिंह जी, राजेश गौतम जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती उषा सिंह जी, और आज के इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सुल्तानपुर जनपद के और अन्य 8 स्थानों पर जहां से होकर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जा रहा है, उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, आप सभी की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 3 वर्ष पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था और 3 वर्ष के अंदर पिछले 19 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। इस सब के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा जीवन और जीविका को बचाने के लिए देश के अंदर महामारी के दौरान किए गए प्रबंधन और उसी का परिणाम है कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी यहां पर संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में वायुसेना के जिस विशेष विमान से वे आज यहां पर पधारे हैं, जैसे ही विमान ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टच करते हुए लैंड किया है, वैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में इस सुल्तानपुर जनपद की धरती पर हुआ है। आज का प्रधानमंत्री जी का आगमन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास का ही परिणाम है। भाइयों बहनों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के, भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और इस अवसर पर विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं वह हम सबके सामने हैं। आज एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है,
दूसरा बुंदेलखंड को भी एक नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी युद्ध स्तर पर विकास की उस नई प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं और विगत 7 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, मेट्रो की सुविधा के साथ प्रदेश के अंदर एक नई सुविधा मेट्रो की प्रदान करने की दिशा में जहां बड़ा कदम प्रदेश ने बढ़ाया है, 4 सिटी अब तक मेट्रो की सुविधा से वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई रही है। अगले महीने तक कानपुर की मेट्रो की व्यवस्था भी जनता के लिए खुल जाएगी। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आज प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के लिए 2017 तक प्रदेश के अंदर लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट ही आम जनमानस की सुविधा के लिए वायु सेवा के साथ जुड़े थे। आज प्रदेश के अंदर भारत सरकार की उड़ान योजना का बेहतरीन लाभ लेते हुए 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं, जहां पर वायु सेवा प्रदान की जा रही है। 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। ये नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत के अंदर, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ जुड़ेगा। और उस मजबूती के साथ जुड़ने की दृष्टि से आज प्रदेश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड हो, एजुकेशन और हेल्थ का क्षेत्र हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हरेक नागरिक तक पहुंचाने का हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था के सम्मान करने का है, इन सभी क्षेत्रों में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। आज जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन सभी नागरिकों को प्राप्त हो रहा है, मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की जीवन रेखा बनेगी। यहां पर न केवल यातायात की सुगमता की दृष्टि से, बल्कि विकसित होने वाले औद्योगिक क्लस्टर के माध्यम से भी रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से पूर्वांचल वासियों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर उसे राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें। बटन दब गया और बटन दबने के साथ ही
शिलापट का अनावरण, उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का आईना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषताओं और उत्तर प्रदेश की विकास गाथा पर एक छोटी सी फिल्म है, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश जो 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश, मगर डबल इंजन की सरकार की वजह से विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ गई और उत्तर प्रदेश बन गया एक्सप्रेस प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। यूपी में कनेक्टिविटी के हजारों करोड़ के 5 मेगा प्रोजेक्ट पर एक साथ काम चल रहा है। आज पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर कोने को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में 81,000 करोड़ की लागत से फ्रेट कॉरिडोर, 7,725 करोड़ की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, 30,274 करोड़ रुपए की लागत से रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जेवर में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, 1,71,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली जेवर वाराणसी हाई स्पीड रेल लिंक परियोजना, 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास की इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कनेक्टिविटी पहला जरूरी कदम है, जिससे देश विदेश के निवेशक आकर्षित होते हैं तथा स्थानीय रोजगार एवं उद्योग को बढ़ावा मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा कराया है। पूर्वांचल जो 2017 से पहले उपेक्षित तथा पिछड़ेपन का शिकार था, आज वही पूर्वांचल न सिर्फ प्रदेश का बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार है। 22,500 करोड़ की लागत से तैयार विश्व स्तरीय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अनुमानित लागत से कम खर्च में तैयार किया गया है। सलाम है हमारे इंजीनियर, तकनीशियन, कामगारों और कारीगरों को, जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना एवं भारी वर्षा की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी ये एक्सप्रेसवे निर्धारित समय से पहले ही तैयार कर दिया। एक्सप्रेसवे होने से पूर्वांचल अब न सिर्फ प्रदेश की राजधानी लखनऊ बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से भी जुड़ गया है, जिससे पूर्वी छोर से आवागमन आसान होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से किसानों और स्थानीय उद्यमियों को अपनी उपज या उत्पादों को बड़े मार्केट में ले जाने में सुगमता होगी एवं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और पूर्वांचल में लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल एवं टूरिज्म क्षेत्र में विकास को रफ्तार मिलेगी। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर इन्वेस्टमेंट पार्क और कारखाने स्थापित किए जाएंगे। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड का निर्माण कराया गया है। संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ पूर्वी प्रदेशों को भी इसका लाभ मिलेगा। चौमुखी विकास प्रदान करने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से पूर्वांचल के साथ साथ भारतीय वायुसेना की भी शक्ति बढ़ी है। सुल्तानपुर के कूरे भार में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनकर तैयार है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकास के असीम अवसर प्रदान करने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे पूर्वांचल की छवि को नई पहचान मिलेगी और प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार होगा। सोच ईमानदार, काम दमदार।
अभी आपने इस फिल्म के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश के विकास की गौरव गाथा को देखा। 130 करोड़ भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना के विराट जागरण का प्रथम सोपान है माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके हर आह्वान को हर भारतीय जन आंदोलन का स्वरूप दे देता है, जिनके शब्द शब्द नहीं वास्तव में हमारे स्वर्णिम भविष्य का जय घोष करते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ पुनः अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जोने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, उ धरती के लोगन के हम पांव लागित है। अठारह के लड़ाई में यहां के लोग अंग्रेजन का छठी काय दूध याद देवाय दे रहे। यह धरती के कण कण में स्वतंत्रता संग्राम के खुशबू बा। कोईरीपुर के युद्ध भला के भुलाई सकत है। आज यह पावन धरती का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सौगात मिलत बा, जैके आप सब बहुत दिन से अगोरत रहीन। आप सभी का बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के ओजस्वी तेजस्वी और कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, यूपी सरकार में मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, संसद में मेरी साथी बहन मेनका गांधी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरी दुनिया में जिस यूपी के सामर्थ्य पर, यूपी के लोगों के सामर्थ्य पर जरा भी संदेह हो, वो आज यहां सुल्तानपुर में आकर यूपी का सामर्थ्य देख सकता है। तीन चार साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी,
अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनित प्रगतिकरण है। एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है, ये यूपी का कमाल है। मैं आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के लोगों को समर्पित करते हुए अपने आप में धन्य महसूस कर रहा हूं। साथियों, देश का संपूर्ण विकास करने के लिए देश का संतुलित विकास भी उतना ही आवश्यक है। कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे चले जाएं और कुछ क्षेत्र दशकों पीछे रह जाएं, ये असमानता किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। भारत में भी जो हमारा पूर्वी हिस्सा रहा है, ये पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, विकास की इतनी संभावना होने के बावजूद इन क्षेत्रों को देश में हो रहे विकास का उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है।
मैं यूपी के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे जिन किसान बहनों की भूमि इसमें लगी है, जिन श्रमिकों का पसीना इसमें लगा है, जिन इंजीनियरों का कौशल इसमें लगा है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, जितनी जरूरी देश की समृद्धि है, उतनी ही आवश्यक देश की सुरक्षा भी है। यहां थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं कि कैसे अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है। अब से कुछ ही देर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमारे फाइटर प्लेन अपनी लैंडिंग करेंगे। इन विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए भी होगी जिन्होंने देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दशकों तक नजरअंदाज किया। साथियों, उत्तर प्रदेश की उपजाऊ भूमि, यहां के लोगों का परिश्रम, यहां के लोगों का कौशल अभूतपूर्व है। और मैं किताब में पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते यहां के लोगों से मेरा जो रिश्ता बना है, नाता बना है, उसमें से मैंने जो देखा है, पाया है, उसको बोल रहा हूं। यहां के इतने बड़े क्षेत्र को गंगा जी और अन्य नदियों का आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन यहां 7-8 साल पहले जो स्थिति थी उसे देखकर मुझे हैरानी होती थी कि आखिर यूपी के ओ यूपी को कुछ लोग किस बात की सजा दे रहे हैं। इसलिए 2014 में जब आप सबने, उत्तर प्रदेश ने, देश ने मुझे हमारे इस महान भारत भूमि की सेवा का अवसर दिया, तो मैंने यूपी के विकास को यहां के एमपी के नाते, प्रधान सेवक के नाते मेरा कर्तव्य बनता था, मैंने उसकी बारीकियों में जाना शुरू किया। मैंने बहुत सारे प्रयास यूपी के लिए शुरू करवाए, गरीबों को पक्के घर मिले, गरीबों के घर में शौचालय हो, महिलाओं को खुले में शौच के लिए बाहर ना जाना पड़े, सबके घर में बिजली हो, ऐसे कितने ही काम थे जो यहां किए जाने जरूरी थे। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा है,
कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे, उनको इतनी शर्म आती थी, इतनी शर्म आती थी, क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास खुद कुछ था ही नहीं। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा यूपी के लोग, ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। और 2017 में आपने तो ये करके दिखाया है, आपने प्रचंड बहुमत देकर योगी जी को और मोदी जी को दोनों को साथ मिलकर के अपनी सेवा का आपने मौका दिया। और आज यूपी में हो रहे विकास कार्यों को देखकर मैं कह सकता हूं इस क्षेत्र का, यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है और तेज गति से आगे बदलने वाला भी है। कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी, याद है ना? कितनी बिजली कटौती होती थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी। कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी। यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अब राह जनी करने वाले जेल में हैं और राह जनी नहीं, गांव गांव नई राह बन रही है, नई सड़कें बन रही है। बीते 4.5 वर्षों में यूपी में, चाहे पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है, हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से, यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। आज यूपी में नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं,
आधुनिक शिक्षा संस्थान बन रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले ही कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया और आज मुझे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। भाइयों और बहनों, इस एक्सप्रेसवे का लाभ गरीब को भी होगा और मध्यम वर्ग को भी। किसान की इससे मदद होगी और व्यापारी के लिए भी सुविधा होगी। इसका लाभ श्रमिक को भी होगा और उद्यमी को भी हो, यानी दलित, वंचित, पिछड़े, किसान, युवा, मध्यम वर्ग, हर व्यक्ति को इसका फायदा होगा। निर्माण के दौरान भी इतने हजारों साथियों को रोजगार दिया और अब शुरू होने के बाद भी ये लाखों नए रोजगार के निर्माण का माध्यम बनेगा। साथियों, ये भी एक सच्चाई थी कि यूपी जैसा विशाल प्रदेश में पहले एक शहर दूसरे शहर से काफी हद तक कटा हुआ था। अलग अलग हिस्सों में लोग जाते तो थे, काम है, रिश्तेदारी है, लेकिन एक दूसरे शहरों में अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से परेशान रहते थे। पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से अवध, पूर्वांचल के साथ साथ बिहार के लोगों को भी लाभ होगा। दिल्ली से बिहार आना जाना भी अब और आसान हो जाएगा। और मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। 340 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषता सिर्फ यही नहीं है कि ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ेगा। इसकी विशेषता यह है कि एक्सप्रेसवे लखनऊ से उन शहरों को जोड़ेगा जिनमें विकास की असीम आकांक्षा है, जहां विकास की बहुत बड़ी संभावना है। इस पर आज यूपी सरकार योगी जी के नेतृत्व में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भले खर्च किए हो, लेकिन भविष्य में एक्सप्रेसवे लाखों करोड़ के उद्योगों को यहां लाने का माध्यम बनेगा।
मुझे अंदाजा नहीं है कि मीडिया के जो साथी यहां है उनका ध्यान इस ओर गया है कि नहीं कि आज यूपी में जिन नए एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा है वो किस तरह शहरों को जोड़ने वाले हैं। करीब 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? चित्रकूट, बांदा हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। 90 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कितने शहरों को जोड़ेगा? गोरखपुर, आंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़। करीब 600 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अब ये भी सोचिए, इतने सारे छोटे छोटे शहरों को भी, अब मुझे बताएं इनमें से कितने शहर बड़े मेट्रो सिटी माने जाते हैं? इनमें से कितने शहर राज्य के दूसरों शहरों के अच्छी तरह कनेक्टेड रहे हैं? यूपी के लोग इन सवालों का जवाब जानते भी हैं और यूपी के लोग इन बातों को समझते भी हैं। इस तरह का काम यूपी में आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं के प्रतीक इन शहरों में आधुनिक कनेक्टिविटी को इतनी प्राथमिकता दी गई है। और भाइयों और बहनों, आप भी ये जानते हैं कि जहां अच्छी सड़क पहुंचती है, अच्छे हाईवे पहुंचते हैं, वहां विकास की गति बढ़ जाती है, रोजगार निर्माण और तेजी से होता है। साथियों, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी जरूरी है। यूपी के कोने कोने को जोड़ा जाना जरूरी है। मुझे खुशी है कि आज योगी जी की सरकार बिना भेदभाव, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के काम में जुटी है। जैसे जैसे यूपी में एक्सप्रेसवे तैयार होते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम भी शुरू होता जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द बहुत जल्द नए उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए 21 जगहों को भी चिन्हित भी किया जा चुका है। आने वाले दिनों में इन एक्सप्रेसवे
किनारे जो शहर बसे हैं उन शहरों में फूड प्रोसेसिंग, दूध से जुड़े उत्पाद, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण, इनसे जुड़ी गतिविधियां तेजी से बढ़ने वाली है। फल, सब्जी, अनाज, पशुपालन और खेती से जुड़े दूसरे उत्पाद या फिर फार्मा, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, हैंडलूम, मेटल, फर्नीचर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़े उद्योग, इन सभी को यूपी में बनने वाले नए एक्सप्रेसवे नई ऊर्जा देने वाले हैं, नए आकर्षण के केंद्र बनने वाले हैं। साथियों, इन उद्योगों के लिए जरूरी मैन पावर तैयार करने के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। इन शहरों में आईटीआई, दूसरे एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, ऐसे संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। यानी खेत हो या उद्योग, यूपी के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक विकल्प आने वाले समय में यहां बनने वाले हैं। यूपी में बन रहा डिफेंस कॉरिडोर भी यहां रोजगार के नए अवसर लाने वाला है। मुझे विश्वास है यूपी में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के ये काम आने वाले समय में यहां की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। भाई और बहनों, एक व्यक्ति घर भी बनाता है तो पहले रास्तों की चिंता करता है, मिट्टी की जांच करता है, दूसरे पहलुओं पर विचार करता है। लेकिन यूपी में हमने लंबा दौर ऐसी सरकारों का देखा है जिन्होंने कनेक्टिविटी की चिंता किए बिना ही औद्योगिकरण के बड़े बड़े बयान दिए, सपने दिखाए। परिणाम ये हुआ कि जरूरी सुविधाओं के अभाव में यहां लगे अनेक कारखानों में ताले लग गए। इन परिस्थितियों में ये भी दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही स्थानों पर, चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों ही स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। सालों साल तक परिवारवादियों की यही पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही, बर्बाद करती रही। भाइयों बहनों, सुल्तानपुर के सपूत, और मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा जी के साथ भी तो यही हुआ था, जिनका जमीनी अनुभव और कर्मशीलता ही पूंजी थी। परिवार के दरबारियों ने उनको अपमानित किया। ऐसे कर्मयोगियों का अपमान यूपी के लोग कभी नहीं भुला सकते। आज यूपी में डबल इंजन की सरकार यूपी के सामान्य जन को अपना परिवार मानकर काम कर रही है। यहां जो कारखाने लगे हैं, जो मिले हैं, उनको बेहतर तरीके से चलाने के साथ साथ नए निवेश,
नए कारखानों के लिए माहौल बनाया जा रहा है। अहम यह भी है कि यूपी में आज सिर्फ 5 साल की योजना नहीं बन रही, बल्कि इस दशक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वैभवशाली उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से उत्तर प्रदेश को पूर्वी समुद्री तट और पश्चिमी समुद्री तट से जोड़ने के पीछे यही सोच है। माल गाड़ियों के लिए बने इन विशेष रास्तों से यूपी के किसानों की उपज और फैक्ट्रियों में बना सामान दुनिया के बाजारों तक पहुंच पाएगा। इसका लाभ भी हमारे किसानों, हमारे व्यापारी, हमारे कारोबारी, ऐसे हर छोटे मोटे साथियों को होने वाला है। भाइयों और बहनों, आज इस कार्यक्रम में मैं यूपी के लोगों की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बेहतरीन काम करने पर भी प्रशंसा करना चाहता हूं। यूपी ने 14 करोड़ कोरोना टीके लगाकर अपने राज्य को देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अग्रणी भूमिका में खड़ा किया है। दुनिया के अनेक देशों की तो इतनी कुल आबादी तक नहीं है। साथियों, मैं यूपी के लोगों की इस बात के लिए भी सराहना करूंगा कि उसने भारत में बनी वैक्सीन के खिलाफ किसी भी राजनीतिक अपप्रचार को टिकने नहीं दिया। यहां के लोगों के स्वास्थ्य से, उनके जीवन से खिलवाड़ की इस साजिश को यूपी के लोगों ने परास्त कर दिया है। और मैं ये भी कहूंगा, यूपी की जनता इन्हें इसी तरह आगे भी परास्त करती रहेगी। भाइयों और बहनों, यूपी के चौतरफा विकास के लिए हमारी सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। कनेक्टिविटी के साथ ही यूपी में बुनियादी सुविधाओं को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों को हुआ है, नारी शक्ति को हुआ है। गरीब बहनों को जब उनका अपना पक्का घर मिल रहा है, उनके नाम से मिल रहा है, तो उनको पहचान के साथ साथ गर्मी, बरसात, सर्दी ऐसी अनेक परेशानियों से भी मुक्ति मिल रही है। बिजली और गैस कनेक्शन के अभाव में भी सबसे अधिक परेशानी माताओं बहनों को होती थी। सौभाग्य और उज्ज्वला से मिली मुफ्त बिजली और गैस कनेक्शन से परेशानी भी दूर हो गई है। टॉयलेट के अभाव में घर और स्कूल दोनों जगह सबसे अधिक परेशानी हमारी बहनों, हमारी बेटियों को होती थी। अब इज्जत घर बनने से घर भी सुख है और बेटियों को भी अब स्कूल में बिना किसी हिचक के पढ़ाई का रास्ता मिला है। पीने के पानी की परेशानी में तो ना जाने माताओं बहनों को कितनी पीढ़ियां गुजर गई। आज जाकर हर घर जल पहुंचाया जा रहा है, पाइप से पानी पहुंच रहा है। सिर्फ 2 साल में ही यूपी सरकार ने करीब करीब 30 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचा दिया है और इस वर्ष लाखों बहनों को अपने घर पर ही शुद्ध पेयजल देने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में भी अगर सबसे अधिक परेशानी किसी को होती थी तो वो भी
हमारी माताओं बहनों को ही होती थी। बच्चे से लेकर पूरे परिवार के स्वास्थ्य की चिंता, खर्च की चिंता ऐसी होती थी को अपना इलाज कराने तक से बचती थी। लेकिन आयुष्मान भारत योजना, नए अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों जैसी सुविधाओं से हमारी बहन बेटियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। साथियों, डबल इंजन की सरकार के जब ऐसे डबल लाभ मिलते हैं तो उन लोगों का, मैं देख रहा हूं आपा खो रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं, उनका विचलित होना बहुत स्वाभाविक है। जो अपने समय में असफल रहे वो योगी जी की सफलता भी नहीं देख पा रहे हैं, जो सफलता देख नहीं पा रहे हैं वो सफलता पचा कैसे पाएंगे। भाइयों बहनों, इनके शोर से दूर, सेवा भाव से राष्ट्र निर्माण में जुटे रहना, यही हमारा कर्म है, यही हमारी कर्म गंगा है। और हम इस कर्म गंगा को लेकर के सुजलाम सुभलाम का वातावरण बनाते रहेंगे। मुझे विश्वास है आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हम सबको ऐसे ही मिलता रहेगा। एक बार फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़े जनसैलाब में बस एक ही नाम गूंज रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः अभिवादन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तौर पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के वासियों को